सभी अभ्यर्थी आए, मिलकर साथ आए और आदरणीय चिराग पासवान जी के समक्ष अपनी सारी बातों को रखें। सभी अभ्यर्थियों से नम्रता पूर्वक कि आप आइए, आदरणीय चिराग पासवान जी से मिलिए और जो आपकी समस्या है उनके समक्ष रखिए। देखिए 30 तारीख को मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए आपने देखा कि किस तरह से विरोध आज आए थे एसटीटी अभ्यर्थी और विधानसभा के बाहर शांति से एक पोस्टर लेकर खड़े हो गए। पुलिस ने उन्हें हटा दिया, वो दर बदर भटक रहे हैं। अब उनकी आस कौन बनेगा? हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता और चिराग पासवान के हनुमान चंदन सिंह मौजूद हैं। चंदन जी, सिर्फ आप लोग बोलते हैं कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, कहाँ हैं? हम तो आपसे पहले भी कहे थे हमजा जी कि सभी अभ्यर्थी आए, मिलकर साथ आए और आदरणीय चिराग पासवान जी के समक्ष अपनी सारी बातों को रखें और श्री चिराग पासवान जी बहुत गंभीरता पूर्वक सुनेंगे और जो हो सकता है हर संभव मदद बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो आए तो। चिराग पासवान जी सब सोचते हैं कि एरोगेंट हैं, जैसा उनके चचा लोगों ने कहा है। कब मिलेंगे, कोई होगा टाइम बताइए, उस दिन पहुंच जाएंगे वो लोग? देखिए कुछ विपक्ष के सहयोगी हैं जो आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति एक गलत छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सब व्यर्थ है। वो आपकी बात को सुनेंगे, बहुत गंभीरता पूर्वक सुनेंगे और जो उचित हो सकता है वो हर संभव मदद करेंगे। हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं सभी अभ्यर्थियों से नम्रता पूर्वक कि आप आइए, आदरणीय चिराग पासवान जी से मिलिए और जो आपकी समस्या है उनके समक्ष रखिए। देखिए 30 तारीख को हमारा कार्यक्रम आशीर्वाद यात्रा का गया में है, तो 29 तारीख को संभवतः वो पटना आएंगे। अभी तो कार्यक्रम का लिस्ट हम लोग के पास आया नहीं है, लेकिन वह आएंगे तो उनसे ज़रूर वह मिल सकते हैं। खड़े हैं आप लोग उनके साथ? बिल्कुल, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि इनका जो वाजिब मांग होगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। ये सब एक साथ आएँ और बात करें क्या समस्या है, राज्य सरकार से जो भी रिलेटेड होगा, जो उनको न्याय नहीं मिल रहा होगा, आदरणीय चिराग पासवान जी हर उस मंच पे उठाएंगे उनका आवाज़। अच्छा, हर उस मंच पर उठाएंगे। एक अभी जातीय जनगणना चल रही है, इस पर लोजपा का क्या कहना है? जातीय जनगणना की बात हो रही है। देखिए ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो ये अपने जातीय जनगणना कराएं अपने खर्च पे। अच्छा, इससे क्यों पीछे भाग रहे हैं? बार बार कह रहे हैं केंद्र पे ये जो गेंद फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये खुद कराएं इसको। हर चीज़ जब करा सकते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने का हो या जो दंभ भरते हैं, तो यह कराएं ना। विपक्ष भी तो इनके साथ है, समर्थन किया ना आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, इनका समर्थन किया। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.